राजधानी शिमला के ढली में एक मकान में धमाके के साथ आग लग गई, जिसमें दो कमरे और उनमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी के उपनगर ढली में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि देर रात ढली में भूपेंद्र कैथ नाम के व्यक्ति के मकान में आग लग गई। आग लगने पर अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से दो कमरे और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जल गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब इसमें धमाका तो है क्या, पर इसमें ना कोई शॉर्ट सर्किट था, ना कोई इसमें सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं फटा है। बाकी इसमें ऐसा है कि तेल की कैनी मिली है बाहर, और पेट्रोल की कैनी मिली है, कैनी में बाहर मिली है, और इस पे जो बेड वगैरह लगे थे उसमें डीएसपी प्रमोद शुक्ला ने कहा कि आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर रखे टीवी की हालत देखकर लगता है कि उसमें धमाका हुआ है। ये रात के करीब 2 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कहीं किसी बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कहीं आग लगी है और वहाँ धमाके की आवाज़ भी आई है। तो जिस पे पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स थे वो मौके पे गए थे, तो वहाँ पे पाया गया कि एक घर में, रेजिडेंशियल घर में आग लगी थी, और जो धमाका जो आवाज़ आई थी तो शायद वहाँ जो टीवी है उसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो टीवी वहाँ पर जली हुई हालत और फटी हुई हालत में मिला है, और फ्रिज में भी कुछ नुकसान हुआ है। तो वो जो धमाके की आवाज़ आई है तो वो शायद वो टीवी की है। वहाँ के जो लोग हैं जिनके घर में ये आगजनी की घटना घटी है, उनका कहना है भी हमेशा क्या कि बाहर के लोग हमारे घर में कुछ इस तरह का धमाकेदार चीज़ पहन के गए, जिससे हमारे घर में आग। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि उसमें केस रजिस्टर हुआ है, तो केस जब रजिस्टर हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने चीज़ सामने आएगी वैसे उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।